नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जिस फॉर्म में हमें लिखने के लिए कहा है हमें उसी फॉर्म में आंसर देना है. सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देंगे. क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट. टू क्यूब थ्री पावर फोर इंटू फोर थ्री थर्टी टू. ये है हमारे पास. अब अगर हम देखें फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वेयर, टू इंटू टू इज फोर. और थर्टी टू, थर्टी टू को अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें टू सिक्सटीन एट फोर टू. सो वन टू थ्री फोर फाइव. तो टू रेज टू पावर फाइव. यही आया. थर्टी टू को हमने लिख दिया टू रेज टू पावर फाइव. अगर आप चाहते तो यहाँ पे ये सीधा कैंसिल हो सकता है. फोर वन जार फोर, फोर एट जार थर्टी टू. तो ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा एट. एट को आप कैसे लिख सकते हो टू क्यूब, टू इंटू टू इंटू टू एट. नाउ ये भी टू पावर थ्री, ये भी टू पावर थ्री. सेम टर्म्स हैं, डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगी. अब हमारे पास क्या बचा थ्री रेज टू पावर फोर. कुछ भी पावर नहीं है, वन. ये टर्म्स क्या हो रही है डिवाइड. बेस सेम, टर्म्स हो रही है डिवाइड. तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट. सो फोर माइनस वन थ्री. यहाँ पे आप ब्रैकेट पे रीजन दे सकते हो. एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर बी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी. फोर वन जार फोर, फोर एट जार थर्टी टू. एट को हमने लिखा टू क्यूब. टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा. दोनों टर्म सेम है, डिवाइड में है, कैंसिल हो गई. थ्री रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय थ्री. बेस सेम, टर्म्स हो रही है डिवाइड. तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. फाइव टू पावर थ्री फाइव पावर फोर डिवाइडेड बाय फाइव पावर सेवन. सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटी यूज की, लॉ यूज किया एक्स पावर ए पावर बी. एक्स पावर ए बी ये लॉ यूज करेंगे. फाइव टू इंटू थ्री इज सिक्स मल्टीप्लाई फाइव रेज टू पावर फोर. अगले स्टेप में जो हमने लॉ यूज किया एक्स पावर ए मल्टीप्लाई एक्स पावर बी. दो टर्म्स बेस सेम हो रही है मल्टीप्लाई तो पावर्स होंगी एम. सो फाइव सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय फाइव रेज टू पावर सेवन. सो सिक्स प्लस फोर इज टेन डिवाइडेड बाय फाइव रेज टू पावर सेवन. नाउ क्या हो रही है टर्म्स डिवाइड. एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट. तो लगाएंगे लॉ यूज करेंगे यहाँ पे. फाइव टेन माइनस सेवन थ्री. सो फाइव रेज टू पावर थ्री. पहले दोनों दोबारा से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट में फोर एट आर थर्टी टू. एट को हमने लिखा टू क्यूब. दोनों टर्म सेम है डिवाइड में है कैंसिल हो गई. थ्री रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय थ्री. बेस सेम पावर डिफरेंट टर्म्स हो रही हैं डिवाइड तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट. थ्री रेज टू पावर फोर माइनस वन थ्री. यहाँ पे सबसे पहले हमने ये रूल यूज किया लॉ एक्स पावर ए पावर बी. एक्स पावर ए इंटू बी टू इंटू थ्री सिक्स. बेस सेम टर्म्स मल्टीप्लाई पावर्स होंगी एड. सिक्स प्लस फोर टेन. नाउ बेस सेम हो रही है टर्म्स डिवाइड तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट. टेन माइनस सेवन थ्री. यहां तक क्लियर. नोट कीजिए दोनों पार्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट थर्ड.
25 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। अगर हम इस केस में देखें, एक तो बेस है 5, एक है 25 और टर्म्स हो रही है डिवाइड, पावर भी सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होंगी, ऐड, यही होगा। कौन सा रूल यूज किया हमने, x पावर a प्लस b। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे x पावर a पावर b, ab 5 × 4 8। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड, बेसिस सेम, x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b, x पावर a माइनस b, सो 5 पावर 8 माइनस 3 इज 5, सो 5 पावर 5। क्लियर है यहां तक, 25 को हमने लिखा 5 × 5, बेसिस सेम, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स हो गई ऐड, 1 + 1 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 × 4 8, नाउ टर्म्स हो रही है डिवाइड, बेसिस सेम, तो पावर्स होंगी सबट्रैक्ट, 8 − 3 5। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 3 × 7² × 11 पावर 8 21 11 क्यूब। क्लियर, नाउ 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 पावर 8 21 11 क्यूब। 21 को हम लिख सकते हैं, 3 7s are 21, फैक्टराइज कर दिया से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 7 2 11 8 11 3 मल्टीप्लाई में है। अब ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं सेम बेस से और ये भी सेम बेस है, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 11 8, तो इसकी 7, बेस सेम, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 11 8 − 3 7, 2 − 1 is 1 8 − 3 is 5। यहाँ पे आपने कौन सा रूल यूज किया, कौन सा लॉ यूज किया, उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, x = a − b। क्लियर है, यहाँ पे 7² 11 8 7 11 क्यूब, 2 − 1 बेस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी बेस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, 8 − 3 5, 2 − 1 1। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 3 raised to power 7 3 raised to power 4 3 raised to power 3। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, बेसिस सेम, टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या होंगी, एड, हमने जो फॉर्मूला जो लॉ यूज किया वो ब्रैकेट में देंगे, x raised to power a × x raised to power b, x raised to power a + b, 3 raised to power 7 3 raised to power 7। नाउ x raised to power a x raised to power b डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 raised to power 7 − 7 0। नाउ ये अभी हमने नहीं किया, किसी भी टर्म की पावर 0 = 1, तो द आंसर विल बी 1। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट, 2 raised to power 0 + 3 raised to power 0 + 4 raised to power 0। अभी हमने पढ़ा किसी भी टर्म की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1।
So 2 raised to power 0 is 1, 3 raised to power 0 is 1, 4 raised to power 0 is 1. तीनों में एडिशन का साइन है, सो आंसर आया हमारे पास 3. क्लियर?